कभी कभी खुद को खुश रखने के लिए किसी का वेट नहीं करना चाहिए। नहीं समझा? वीडियो देख लो। Sometimes it's better to be alone. हे गाइस, एट लास्ट तो मैं चर्च गेट पहुँच गया हूँ यहाँ पे। एंड मेरे सामने है दैट बीच जिसके लिए चर्च गेट ऑब्वियसली लोग आते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पे अकेला क्यों आया हूँ, अकेला के क्या करूँगा, उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है एंड आई एक्सप्लेन यू लेटर। I'm here at Marine Lines and guys, मैं properly यहाँ पर आ गया हूँ एंड आई एम वॉकिंग। आया इसकी स्टोरी बहुत पहले से स्टार्ट होती है एंड द स्टोरी इज़ कि क्या हुआ था। हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग जाएंगे एक वाटर पार्क जो विरार में है, विसावा करके। सो वहाँ पे जाएंगे एंड जो करते वो करेंगे यार, वाटर पार्क में क्या करते हैं ऑब्वियसली। तो फिर क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड है तो मैंने उसको बोला कि चल जाते हैं, मतलब डिसाइड किया यार दोनों ने जाते। बट लेटर देन वी वर लाइक फिक्स, या हाँ हम आज सुबह निकलेंगे सुबह 6 बजे एंड वहाँ पे जाएंगे। बट मुझे पता था कि ये भाई कुछ तो करेगा क्योंकि इससे पहले भी उसने एक प्लान ऐसे ही कैंसिल कर दिया था एंड मुझे डाउट आया था। तो गाइस, अगर वो प्लान कल रात तक कैंसिल करता तो वो ठीक होता, बट ही वॉज लाइक, उसने मेरे को सुबह कॉल किया एंड ही सेड कि यार मैं नहीं आ सकता क्योंकि माय पेरेंट्स आर नॉट अलाउिंग मी। सो मेरी सटक गई यार, गुस्सा आया, ऑब्वियसली किसको भी आएगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार अभी क्या करें, उसको कन्विंस भी किया बहुत, बट नो, ही सेड नो। तो हम लोग नहीं गए एंड फिर मैंने उसको बोला चल कहीं घूमने आते तो फिर बाहर। देन ही लाइड कि यार वो किधर तो जा रहा है एंड उसने अपना फ़ोन साइलेंट कर लिया एंड वो नहीं आया। सो आई डिसाइडेड टू गो अलोन। सो अभी मैं आ गया हूँ मरीन लाइन्स घूमने के लिए। सो दिस वॉज द स्टोरी, मैं यहाँ पे क्यों आया। एंड आई नो मैं थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा हूँ, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस सनलाइट। या तो फक, तो अभी पहले से बेटर है ये अपना सनलाइट। या इस साइड से आ रहा था तभी स्टार्ट कर देना चाहिए था व्लॉगिंग, बट दिमाग नहीं है ना। मैंने पूरा प्लान किया था कि मैं क्या करूँगा, यहाँ से कैसे जाऊँगा। तो मैं चर्च गेट पर उतरा अपने ट्रेन से एंड मैं यहाँ पे मरीन पे चल के आया, ऐसे ही मज़ा आता है। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खाने जाता हूँ क्योंकि भूख लगी है। एंड मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सुबह कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। सो पहले कुछ पीता हूँ फिर खाता हूँ, लेट्स सी। सबसे पहले तो ऊपर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो खाना नहीं मिलेगा। चलो, मैंने अभी तक ये तो कभी नहीं देखा मरीन पे।
मैं जब भी नीचे आता था ये पत्थर से ही आता था, दिस इज समथिंग। ओके सो पूरा घूम के हो गया मरीन एंड नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड स्टेशन देर एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ओवर हियर इज टू क्रॉस दिस रोड दिस वन। कोई सिग्नल नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है, आई टू जस्ट क्रॉस इट लाइक व्हेन जब गाड़ियाँ रुकेगी, नहीं रुकेगी भी नहीं, जब गाड़ियाँ नहीं होगी वहाँ पे तब आई टू क्रॉस। ओके सो पहले मुझे कुछ तो पीना था, बहुत प्यास लगी थी एंड अभी मुझे बहुत भूख लगी है सो मैं खाने जा रहा हूँ। मुझे मेरे सामने या इडली वड़ा दिख रहा है शायद, तो शायद मैं वो खाऊँ। सो लेट्स गो एंड ईट। तो गाइज अभी पूरा घूम के हो गया है, कुछ घूमने के लिए बाकी नहीं है एंड नाश्ता भी कर लिया एंड पी भी लिया, फिर भी प्यास लगी है तो एक कोल्ड ड्रिंक लूँगा एंड ट्रेन पकड़ कर सीधा घर पे जाऊँगा और कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने और कुछ किया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड आई वांट गो होम अगेन। सो आई डोंट वांट टेक रेस्ट कि यार घर पे जाओ डांट खाओ। घर पे भी मैंने यही बोला कि यार मरीन जा रहा हूँ जस्ट फॉर फन, है ना। सो लेट्स गो। वैसे मज़ा बहुत आया एंड या मेरा डायलॉग जो मैंने पहले बोला था, समटाइम्स इट्स बेटर टू बी अलोन। सो गाइस ऐसे मैं घूमते रहता हूँ कभी मन हुआ तो। सो फिलहाल लेट्स गो। ओके दैट ऑकवर्ड स्टेयर। ओके सो हियर इज जिम खाना। ओके प्लेटफॉर्म क्रमांक एक और अगली लोकल बोरीवलीला नारी 12 धीमी लोकल आहे। ही लोकल सर्व स्थानकांवर थांबेल। Heartland of desire, exit to the left and I saw girls standing.